मुलाजमा ने बताया कि आप वापस आ गए। तबीयत ठीक है आपकी? थक गए हैं? अदन जी, ये जो रूहानी थकावट होती है ना, इसका बोझ जितनी कोशिश कर लो आसानी से नहीं उतरता। से मैं आकर ऐसा अमल हो गया मुझसे जो मेरे अल्लाह को सख्त नापसंद है। समझ में ही नहीं आ रहा, जमाने ने जो सुलूक किया मेरे साथ, उस पर हैरान हूं या बस किस्मत समझ के मान जाऊं। मुझे बहुत अफसोस है, आपकी बर्बादी का कसूरवार मैं खुद को भी समझती हूँ। नहीं अदन जी, आप क्यों ऐसा समझ रही? आपका तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि इस पूरे वाकये में सबसे ज्यादा ज्यादती आप ही के साथ। अरे आप तो इतनी नेक हैं, इतनी पाकीजा रूह वाली हैं, आप पर इतने गंदे इल्जाम लगाए गए, आपके साथ मुझसे ज्यादा ज्यादती की गई अदन जी। और जो तोहमते इल्जाम आप पर लगाए गए उन पर खामोश रहना गुनाह है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है अदन जी। काका वास्ते अपने दिल पर ये बोझ मत रखिएगा, समझ गई ना? काश रफा कैसे ना सोचती, काश वो आप पर एतबार करती, काश मुझ पर एतबार करती, काश मैंने शफक को इतना गलत ना समझा होता। वो तबरेज नहीं आए, ऑफिस में ही थी। आप तबरेज ऑफिस में ही था, फिर अस्पताल चला गया। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। अदन जी जी, वो खुश तो है ना यहाँ पर?